साइड का तो लुक देखो भाई, टोटली फ्री था ठीक है। पीछे जस्ट बाइक देखो भाई, लुक लुक टाइप थोड़ा। हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल KTM 390 इंजन के साथ आता है और डुअल चैनल ABS। जस्ट बाइक पहले देखो फिर उसके बाद बताता हूँ। जस्ट बाइक लुक, साइड से लुक एकदम, पीछे का भी लुक बहुत हार्ड है जो भी बोलो। R6 390, इसमें इनिशियली पावर ज़्यादा है। इसके बाद R3 के बारे में बोलूँगा ठीक है, R3 के बारे में बोलूँगा। सामने का लुक भी अच्छा है KTM 390 का, जो पहले आता था। ये भी मॉडल आएगा BS8 में आएगा ये मॉडल। अब आप लोगों को R3 दिखाता हूँ, फिर उसके बाद KTM दिखाता हूँ ठीक है। अब R3 देखो गाइस, जस्ट देखो, इसमें इतना ज़्यादा पावर है ना, KTM को कुछ ही सेकंड में धूल चढ़ा देगा। और लुक देखो, जस्ट लुक देखो भाई, क्रश खा जाएंगे भाई R3। OMG, AR3 310 cc का आता है ठीक है, डुअल चैनल ABS। और सामने का और भी बहुत कुछ, क्विक शिफ्टर भी डाल दिया इसमें R3 में। जस्ट बाइक देखो, पहले बाइक देखो भाई, जस्ट बाइक देखो जस्ट यार, R3 न्यू लुक 2023। आप लोग क्या करोगे, KTM लोगे या R15 V3? इसमें क्विक शिफ्टर आता है ठीक है, क्विक शिफ्टर देखो पहले। जस्ट बाइक देखो यार, पीछे का टेल एकदम सेक्सी। पीछे का टेल KTM के ज़्यादा अच्छा है R3 से। KTM के पीछे का टेल अच्छा है। पीछे का टायर आता है 150 सेक्शन का टायर, और फ्रंट में 100x10 का टायर। पीछे का और लुक देख लो यार, और टैंक इसका R3 से, ये KTM 390 से ज़्यादा चौड़ा और बिल्ड लाइक बॉडी बिल्डर जैसे टैंक। और इसमें TFT डिस्प्ले बहुत सारे। सो एक और चीज़, EFZ R3 ES6 टोटली, मतलब जो कॉस्ट आएगा, पहले बाइक देख लो, पहले बाइक का टोटल भी अच्छा है R3 का। और टैंक देखो, अब इसका प्राइस के बारे में बोलूँगा, फिर उसके KTM के प्राइस के बारे में बोलूँगा ठीक है। तो EFZ R3 BS6 मॉडल है और इसका प्राइस आएगा 3,16,000 रुपीज़ ऑनली ऑन रोड। और इसका CC 321 cc, 14.8 bhp, RPM है 10,750 rpm। जस्ट बाइक देखो यार, अब KTM। सो गाइस, अब KTM के बारे में देखो, KTM पहले देखो, फिर इसके इंजन के बारे में बोलता हूँ ठीक है। ये डुअल चैनल ABS, फ्रंट में भी ABS, पीछे भी ABS, और हाइड्रोलिक के भाई क्या काम करता है। इसका डिस्क ब्रेक भाई एकदम मस्त, मक्खन जैसा डिस्क ब्रेक। और इसका इंजन R6 390 BS8 का इंजन है, 3.73.227 cc इंजन। और इसका BHP 42.9 bhp, RPM है 9,000 rpm। इसका प्राइस आएगा 3,15,000 रुपीज़ RC BS8 इसका प्राइस आएगा। इसका सीट कवर भी आएगा, ये तो अब तो भाई जो R6 390 आएगा उसमें पावर ज़्यादा होगा, लेकिन R3 में ज़्यादा पावर है। और आप लोग जा सकते हो, कि आप लोग, मैं सजेस्ट करता हूँ R3 ले लो, R3 में पावर भी ज़्यादा है और लुक भी अच्छा है। R6 के जैसा लुक कर दिया भाई R3, टोटली क्रेजी। अच्छा KTM एक और देख दो, ऐसे ही एग्जॉस्ट आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट शेयर लाइक कर देना, आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक टिल देन एंड बाय बाय। अरे R3 कब आएगा मैं बता देता हूँ, अप्रैल के मिडिल में आ जाएगा R3। बाय।